सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामचरितमानस विवाद से बीजेपी के निशाने पर आए स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रमोशन दिया है। उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाकर अखिलेश ने आगे की रणनीति स्पष्ट करते हुए बीजेपी को संदेश भी दिया है कि अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों की राजनीति पर फोकस करने वाले हैं। नमस्ते, मैं ऋषभ हूं और आप हैं मंच पर। पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री की ओर से रामचरितमानस विवाद को जन्म देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी विवादित बयान दिया था और धार्मिक किताब को बैन करने तक की मांग कर दी थी। वहीं सपा की ओर से जारी की गई कार्यकारिणी में पिछड़ों और दलितों को काफी अहमियत दी गई है। जहां आजम खान के रूप में मुस्लिम चेहरे को जगह मिली, वहीं उपाध्यक्ष पद पर किरणमय नंदा और प्रमुख महासचिव पद पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव बने हुए हैं, जबकि शिवपाल, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत वर्मा जैसे नेताओं ने महासचिव की लिस्ट में जगह बनाई है। इनमें अधिकांश नेता पिछड़ी जातियों से हैं। वहीं 2022 के चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री लालजी वर्मा और रामअचल राजभर को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा और पवन पांडे जैसे चंद नेताओं को ही कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, जबकि अखिलेश यादव ने बीजेपी के दबाव के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाया है, जिसके जरिए उन्होंने संदेश दिया है कि वो बीजेपी के दबाव में कोई फैसला नहीं लेने वाले हैं। जिससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा, उसके साथ खड़े रहेंगे। रामचरितमानस विवाद के बाद सपा के कई विधायकों ने खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अपना विरोध जताया था। सूत्रों के मुताबिक कई विधायकों ने अखिलेश यादव को फोन पर नाराजगी भी जताई थी, लेकिन अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाकर कार्रवाई की अटकलों पर विराम लगा दिया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होने के संकेत कुछ दिन पहले ही मिल गए थे, जब अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी उन्हें शूद्र मानती है और इसी वजह से उन्हें मंदिर जाने से रोकती है। इस बयान के जरिए अखिलेश ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए संकेत दिया कि आने वाले समय में वो पिछड़ों और दलितों की राजनीति पर ज्यादा फोकस करेंगे। वहीं मायावती ने ट्वीट कर कहा कि रामचरितमानस के खिलाफ सपा नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद और उसे लेकर बीजेपी की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी से स्पष्ट है कि इसमें दोनों पार्टियों की मिलीभगत है, ताकि आगामी चुनावों को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। दरअसल 2014, 2019 लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बसपा, सपा समेत दूसरी पार्टियों को मात दी थी। इन चुनावों में बीजेपी को दलितों के भी काफी वोट मिले थे। जब अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछड़े और दलित नेताओं को जगह देकर बसपा से बीजेपी में गए वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर साधु संतों के गुस्से के बाद भी अखिलेश ने उन्हें महासचिव बना दिया। समाजवादी पार्टी सालों से MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण पर फोकस करती रही है। हालांकि चुनाव पास आते ही कई बार उसका फोकस अपर कास्ट वोट्स को बटोरने पर भी रहा है, लेकिन हाल के चुनावों में उच्च जातियों का एक बड़ा वोट प्रतिशत बीजेपी को जाता रहा है। यूपी में गैर यादव अति पिछड़े वर्ग के मतदाता 35% से ज्यादा हैं, वहीं सूबे में दलित मतदाताओं की संख्या करीब 22% है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम आबादी है, जो अपनी एकतरफा वोटिंग के लिए जानी जाती है। इन तीनों समुदायों के मतदाताओं का कुल प्रतिशत 77% के करीब हो जाता है। अगर कोई भी सियासी दल इन तीनों समुदायों को एक साथ लेता है तो वो न केवल बीजेपी को टक्कर देगा, बल्कि सत्ता पर उसकी मजबूत पकड़ भी तय है। 2022 के चुनाव में मुस्लिमों को एकतरफा वोट पाने वाले अखिलेश को उम्मीद है कि वो 2024 के चुनाव में मायावती का दलित वोट बैंक भी हासिल करने में कामयाब होंगे। आपके लिए इस स्टोरी को तैयार किया है हमारे साथी मंचकार रमन ने। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।